हेलो दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम वैल्यू फाइंड करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की। और हमें इक्वेशन क्या दी है, इसमें हमें 2x + 3y इक्वल साइन एक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव करूँगा मैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में एक्स है एक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2x है, 2x2 तो यहाँ पर कोस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ओके, + 3y, y का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy अपॉन dx। ओके, और इक्वल हमें क्या दिया है यहाँ पर साइन y। तो देखिए साइन का डेरिवेटिव पहले करेंगे और फिर हम y का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोश वाई। ओके, अभी हम डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई का। ओके, तो देखिए वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 ही रहेगा ये, तो 3 dy/dx इक्वल कोश वाई, और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा dy/dx। ओके, अभी हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं इस साइड लेकर आता हूँ, तो क्या होगा 2 cos dy/dx और -3 dy/dx यही होगा। तो देखिए अभी मैं इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने यहाँ पर बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोश वाई और -3। ओके, अभी डी वाई अपॉन डी एक्स की हमारी क्या, इसको इस साइड ले आते हैं हम डिवाइड में, तो 2 cos y - 3 इक्वल क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए यही हमारा आंसर है। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।